हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड से संबंधित बहुत से छात्रों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे बारे में कुछ बताइए कि हमारे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम कब होंगे, जो बच्चे फेल हैं उनके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, एग्ज़ाम कब लिया जाएंगे। तो मैंने आप सभी से कहा था कि मेरे पास जैसे भी कोई जानकारी उपलब्ध होती है मैं आप सभी तक साझा जरूर करूँगा। तो दोस्तों मैं यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ बातें आपको बता दूँ, जो भी छात्र यूपी बोर्ड से हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चीज़ है। आप तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोस्तों किन छात्रों को फेल किया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उन छात्रों को फेल किया है जो छात्र केवल वार्षिक परीक्षा में इनरोल किए थे, उन्होंने ना माध्यमिक परीक्षा में बैठे थे, ना प्री बोर्ड परीक्षा में और ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम दिए थे। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने उन सभी छात्रों को दोस्तों अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया है। इसके अलावा जिन भी छात्रों के जो प्रमाण पत्र हैं उनमें त्रुटि पाई गई तो उन सभी छात्रों को भी फेल कर दिया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा। तो ये छात्र दोस्तों फेल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने ये भी कहा कि जो छात्र फेल किए गए हैं और जो छात्र फेल हो गए हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा उन्हें अपने अंक सुधारने का मौका दिया जाएगा जिनके कंपार्टमेंट आए हैं और जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ऐसे में उन सभी छात्रों का दोस्तों आगामी जो प्री बोर्ड आगामी बोर्ड होने वाला है उस आगामी वर्ष में उनकी परीक्षा करवाई जाएगी जिसमें वो बिना परीक्षा शुल्क दिए परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है, और एक या एक से अधिक परीक्षा को दे सकते हैं, अपने अंकों को सुधार सकते हैं। बट दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो परीक्षा इस साल ये आयोजित की जाएगी, उन्होंने कहा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी आगामी बोर्ड परीक्षा के दौरान, लेकिन जो परीक्षा फल आपका आएगा उसमें 2021 ही लिखा हुआ होगा, ये बोर्ड ने कहा है। आपको पता है दोस्तों उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसमें मुरादाबाद के एक इंटर स्कूल ने 100 से अधिक छात्रों को इसलिए फेल कर दिया क्योंकि उन्होंने फीस नहीं जमा कराई थी। किसकी? एग्ज़ाम फीस की। क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड का समय चल रहा था, ऐसे में बहुत पेरेंट्स के पास काम नहीं था, ऐसे में छात्राओं ने फीस नहीं जमा कराई और इसी वजह से छात्र उपस्थित हुए थे बिना फीस जमा किए, पेपर दिए, लेकिन पेपर देने के बाद भी वहाँ के प्रिंसिपल ने उन्हें अनुपस्थिति दर्ज कर उन्हें अनुपस्थित घोषित कर दिया, उन्हें एब्सेंट करार दिया और इस वजह से वो फेल कर दिए गए। तो उन सभी छात्राओं का दोस्तों मुरादाबाद के स्कूली छात्राओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आई होप कुछ अच्छा नतीजा निकले, बहुत से जो शिक्षा समूह हैं उनके साथ खड़े हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम सभी को, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड से हैं, सभी स्टूडेंट्स का जो धोखा किया गया है हमें एक साथ खड़े होने हैं और अपने जस्टिस की मांग करनी है जब तक जस्टिस ना मिल जाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ये रिजल्ट का सवाल नहीं है, अगर अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई तो ये अगले साल भी ऐसा हो सकता है। तो आपको दोस्तों एकजुट होना होगा, हम सबको एकजुट होना होगा, सभी टीचर समूह को एकजुट होना होगा, जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों के साथ होना होगा ताकि बच्चे का जो मनोबल गिरे ना, क्योंकि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत से मैसेज मेरे पास आ रहे दोस्तों। मैं इसलिए आपको बार बार मैं सभी बच्चों के एक साथ रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ मैसेज के थ्रू, कमेंट थ्रू, इसलिए मैं दोस्तों इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाइए, डिप्रेशन ना होइए, आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, ये सिर्फ गलती सीबीएसई टीचर्स और स्कूल वालों की जिन्होंने बिना किसी आधार पर आपको नंबर कम दिए हैं जबकि आपके नंबर अच्छे थे। तो दोस्तों बस ये एक न्यूज़ थी जो मुझे आपको देनी थी। और दोस्तों कल जो कि मैं जो हमने लेटर लिखा है और हम 4-5 जो हैं पेरेंट्स के साथ सीबीएसई ऑफिस जाने वाले हैं, कल की अपडेट दोस्तों आपको कल मिली जाएगी कि कल क्या वहाँ पर घटना घटित होती है, जो भी आपकी चीज़ें होंगी दोस्तों सब आपके साथ साझा की जाएंगी। हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का। क्योंकि दोस्तों मैं बस ये चाहता हूँ कि हम सब जो हैं आप सभी के लिए काम करते रहे, जो हमारा जो एक उद्देश्य है हमारे चैनल का कि हम आप सभी तक वो सारी चीज़ें पहुंचाएं जो आपको जानने योग्य होनी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताएं, ना किसी प्रकार कोई फेक न्यूज फैलाएं। तो अभी तक जितनी चीज़ें हैं दोस्तों अब मैंने आपको पूरा फैक्ट थ्रू बताया है। हमारे चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीएसई से रिलेटेड, क्लास 12 के एग्ज़ाम से रिलेटेड, री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी दोस्तों आपको कल दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।